बीएन मंडल विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अमन कुमार रितेश की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय मधेपुरा में दूसरे छात्र संघ चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के छात्र नेता एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर हिमांशु शेखर ने कहा कि इस चुनाव में फिर से जन अधिकार छात्र परिषद एक मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और सभी सीटों पर अपना जीत भी दर्ज करेगी। अगर कोई आवाज उठा रहा है किसी भी मुद्दे को लेकर, तो वो एक ही छात्र संगठन है जो जनता छात्र परिषद, जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौतम आनंद जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार एक छात्रों की निष्पक्ष भाव से सेवा कर रहे हैं। इसलिए इस बार भी भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सभी पदों पर जनता छात्र परिषद का कब्जा होगा। जहाँ तक जानकारी मिली है कि बीएनएमयू विश्वविद्यालय में दोबारा से छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। 6 नवंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू होकर के 20 दिसंबर तक चलने वाली है और इसी के मद्देनजर आज जन अधिकार छात्र परिषद की तीनों जिला की बैठक विश्वविद्यालय अध्यक्ष के नेतृत्व में आहूत की गई। इसमें तीनों जिला के कुछ लोग भी आए हैं, कुछ आ भी रहे हैं और मुख्य मकसद हम लोग का यही रहेगा इस बैठक के दौरान कि आने वाले चुनाव में हम लोग कैसे मजबूती के साथ लड़े। और इतनी सारी विरोधी पार्टियां, बहुत सारे छात्र संघ के और भी लीडर लोग जो मधेपुरा में लोगों को, छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो छात्रों की वाजिब राजनीति होनी चाहिए उससे भटकाने का काम कर रहे हैं, उन सबों को हम लोग एक सबक सिखाने का काम करें और एक उचित मुद्दे पर छात्रों की लड़ाई को लड़ी जाए। और जिस चीज़ का नेतृत्व हमेशा से जननायक पप्पू यादव करते आए हैं, ये अलग बात है कि मधेपुरा के लोगों के समझ और सोच के कारण आज वो यहाँ से पराजय हो गए, लेकिन आज भी उनकी ललक छात्रों और युवाओं के प्रति रहती है। पटना से लेकर दिल्ली तक, चाहे वो छात्रों का यूपीएससी बीपीएससी से लेकर के छात्रों का किसी भी मामला हो, उसमें हमेशा से वो अग्रणी भूमिका निभाते आए हैं। उसी के मद्देनजर आज जो बैठक है और हम लोग यही निष्कर्ष निकालेंगे बैठक के अंत तक कि हम लोग कैसे विश्वविद्यालय चुनाव में मजबूती के साथ लड़ें और फिर से जन अधिकार छात्र परिषद एक महत्वपूर्ण पदों के साथ विश्वविद्यालय में अपना। मुरौल प्रखंड प्रमुख मनोज कुमार की ओर से तमाम जनता जनार्दन को दीपावली एवं छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। शुभ दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट कोमल शाह, ओनली फॉर वुमेन्स ब्यूटी हेयर एकेडमी, पुरानी बाजार नियर विद्या विवाह भवन मुजफ्फरपुर, कॉन्टैक्ट 9939391824। शुभ दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अनिल कुमार राम, पूर्व प्रमुख सकरा, सह सदस्य राज्य परिषद जदयू बिहार। शुभ दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की समस्त प्रखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितेंद्र कुमार राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरौल मुजफ्फरपुर।